अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि YouTube की वीडियो पर जो स्लाइड पट्टी उर्दू की है वो किस तरह चलाई जाती है, तो आपको सिखाते हैं। सबसे पहले तो हमें एक काइन मास्टर की ज़रूरत है सॉफ्टवेयर की। आप अपने मोबाइल में काइन मास्टर जो है वो इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद, क्योंकि प्रोफेशनल जो काम होते हैं वो तो कंप्यूटर पे होते हैं और जो अच्छे अच्छे एडिटर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उन पे किए जाते हैं, लेकिन मैं आज आपको जो मोबाइल पर ही आप अपनी वीडियो को जो है एडिटिंग कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें काइन मास्टर चाहिए होगा। आप काइन मास्टर को अपने मोबाइल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें और उसके बाद आप इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। तो इस तरह का आपको इंटरफेस नज़र आएगा। आपने जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइम जो है वो कम लगे, क्योंकि मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्क्रीन पे, तो इससे मोबाइल स्लो हो जाएगा। इसलिए आपने जब अपनी वीडियो एडिटिंग करनी है तो उसमें आपने वीडियो लगानी है, तो मैं अभी आपको सिर्फ पिक्चर ही लगा के बताऊंगा। सबसे पहले तो हमें बैकग्राउंड में से हमें एक कलर चूज़ करना होगा कि हम कोई सा कलर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बैकग्राउंड में कलर लाजमी आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, ठीक है। बाज़ लोग होते हैं जो वीडियो के बैकग्राउंड में कलर इस्तेमाल नहीं करते, ठीक हो गया। तो हम अब ये बैकग्राउंड हमारा लग गया है, अब हम एक पिक्चर लेंगे। ये मैं अपने मोबाइल में जाता हूँ और उसमें कैमरा, और ये एक पिक्चर वगैरह जो है मैं लगा लेता, ठीक है। ये मैंने पिक्चर एक लगा ली, इसको मैंने फुल स्क्रीन कर दिया, ठीक हो गया। यानी कि ये मैंने इतना किसे कर दिया, ओके हो गया, ये मैंने लगा दी, ठीक है। उसके बाद हम लेयर में जाएंगे। लेयर में हम जाने के बाद पिक्चर पे क्लिक करेंगे, इमेज पे, और इसमें बैकग्राउंड में इसमें हम कलर, कोई कलर हमने यहाँ पे लेना है ब्लू, ब्लू कलर हम इस्तेमाल करेंगे। इसका मकसद ये होता है कि हमारी जो वीडियो, हमने वीडियो पे कलर ये ब्लू लगाएंगे, इससे ये होगा कि जो हम उर्दू में चीज़ लिखेंगे तो वो हमें बिल्कुल वाज़ेह नज़र आएगी, ठीक हो गया। तो इस तरह ये इसे आप स्क्रीन के साथ स्प्लिट स्क्रीन कर लें, ठीक हो गया। ये करने के बाद इसे आप इस तरह ये इसको बढ़ा लें, ज़्यादा कर लें, ताकि आपकी वीडियो थोड़ी सी जो पट्टी है वो आपकी ज़बरदस्त चल सके, ठीक है। इसके बाद इसको ओके करते हैं, और अब हम इस पर टैक्स लगाएंगे। टैक्स किस तरह लगाएंगे, ये लेयर में जाएंगे, ये टी जहाँ पे लिखा हुआ है ये टैक्स है, टैक्स पे क्लिक करेंगे, ठीक हो गया। ये मैं उर्दू का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस पर आप वॉइस के ज़रिए भी आप लिख सकते हैं, अगर आप टाइप करना चाहते हैं तो टाइप भी कर लें, मैं वॉइस के ज़रिए ही लिखूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये लिखा गया, ठीक हो गया। ये मैं इसको ऐसे बड़ा कर लूँगा, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद ये डबल ए लिखा हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पे फॉरेंट हैं उनमें से कुछ सिलेक्ट करेंगे तो बोल्ड कर देंगे, ठीक है। ये थोड़ा इस तरह का नज़र आएगा, ठीक है। आप आपने करना क्या है, यहाँ से पकड़ के आपने इस साइड पे से रख देना, ठीक हो गया, ये हो गया। और आपके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे चाबी का निशान होगा, ये चाबी के निशान को हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद अपनी वीडियो को हम आगे की तरफ कर देंगे। ये आपकी राइट साइड पे एनिमेशन का ऑप्शन नज़र आया, उस पर प्लस के निशान पे आपने क्लिक करना है, वो नीचे हो जाएगा नेगेटिव, ठीक हो गया, मनफी में। अब आपने यहाँ से पकड़ना है इसे, ठीक हो गया, यहाँ से पकड़ना है और पकड़ के आपने इसको यहाँ छुपा देना, ये आपने छुपा दिया।
अब आपने अपनी वीडियो को थोड़ा सा जो आपने जो लिखा है इसको थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि ये स्लो स्लो चले, और ये नीचे पट्टी के साथ अनसेलेक्ट हो जाए। ठीक हो गया, ये देखें इस तरह आप सारी ना थोड़ा सा बराबर कर लें इसे। ये देखें, अब हम अपनी वीडियो को प्ले करेंगे, देखेंगे वो ठीक लगी है। ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त लगी है। इस तरह आप अपने वीडियो के नीचे इस तरह पट्टी को चला सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो नई नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। तब तक के लिए अदनान मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।